पेट्रोल से चलने वाले इंडियन टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो बजाज 1945 में, टीवीएस 1978 में और हीरो होंडा 1984 में स्टैब्लिश हुई थी। और पिछले 20 सालों में पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल बनाने वाली कोई भी इंडियन कंपनी स्टैब्लिश नहीं हुई, पर सिर्फ पिछले 3 सालों में 25 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली इंडियन कंपनीज पैदा हो गई है। अरे यार शिक्षा भैया, देश तरक्की कर रहा, आपको दिक्कत हो रही है? देश की तरक्की की खुशी हमें काफी होती धनिया अगर ये सब कुछ इंडिया में बन रहा होता। बताते हैं आपको कि कैसे चाइना पूरी दुनिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर कब्जा कर रहा है। पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों में हजारों कंपोनेंट्स होते थे, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए 5 से 6 कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मोटर, कंट्रोलर, बैटरी और डिजाइन। कवीरा मोबिलिटी, कमाकी, निज ऑटोमोटिव जैसी 50 कंपनियां चाइना से ये सारे पार्ट खरीदती हैं और इंडिया में केवल जोड़ देती हैं। कई कंपनीज में तो 50 से भी कम लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ ही सेफ्टी के ऊपर ये लोग कोई खर्चा नहीं करते, इसीलिए इनके स्कूटर काफी सस्ते बिक रहे हैं। और इसी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में चाइना ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है।